जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अनंत चतुर्दशी है। आज का दिन विष्णु भगवान का व्रत व पूजा करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी की कथा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। जो लोग व्रत नहीं भी कर पाते हैं, वह केवल अनंत चतुर्दशी की कथा सुन ले तो कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राज सुयज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भ्रांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृतकीरा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकाशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडेय ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर करकशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा, वहां पर बहुत से स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला एक पूछने पर सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध कर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़ कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामत ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए
ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चीरकाल तक राज्य करते रहे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अनंत चतुर्दशी की कथा समाप्त हुई और इसी प्रकार कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब